आज का हमारा टॉपिक है एम एस इससे पहले के वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन देख चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आज उसका पहला टॉपिक है एम एस इसको हम पूरा डिटेल्स में थोड़ा रिवीजन क्लास के तौर पे पूरा देखेंगे तो एम एस होता क्या है ये मेनली यूज्ड होता है टेबुलर डेटा को स्टोर करने के लिए टेबुलर डेटा क्या जब हमारा कोई भी डेटा है वो रो और कॉलम के रूप में उसको डिफाइन करना हो तो उस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है तो इसका प्राइमरी जो फोकस होता है वो होता है मेनली यूज टू स्टोर टैबुलर डेटा एम एस जो होता है वो मेनली कंप्राइज जो हमारा टैब टैब्स होते हैं उनको कंप्राइज करता है ग्रुप्स ऑफ कमांड्स होते हैं अच्छा टैब्स क्या होते हैं जब हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुलता है अभी आप डायग्राम में डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट थ्री टैब्स होते हैं शीट वन शीट टू शीट थ्री देखिए जब हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब खुलता है तो कुछ ऐसे ऐसी एक वर्क बुक खुल के आती है इस वर्क बुक में जब आप देखेंगे तो आप कभी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलिएगा तो इस तरह से एक विंडो आएगी जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट थ्री शीट्स होती हैं इनको ही हम टैब बोलते हैं हम इस और भी शीट्स क्रिएट कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं होती है जितना आप ये डिपेंड करता है आपकी मेमोरी जितनी अवेलेबल है बाकी आप कितनी भी शीट्स क्रिएट कर सकते हैं पर बाई डिफ़ॉल्ट शीट्स थ्री होती है इन शीट वन को ये वर्क शीट होती है इस शीट वन के जो टैब है उसको टैब बोलते हैं तो इट तो एम एस एक्सेल क्या होता है मेनली कम प्राइजेस होता है टैब्स का जो अभी आपने समझा ग्रुप्स ऑफ कमांड्स होते हैं कमांड्स क्या होते हैं ग्रुप्स ऑफ कमांड्स जब आप किसी सेल पर फोकस करते हैं मतलब किसी सेल को आप क्लिक करते हैं तो उस पर कमांड्स मीन्स आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं या फंक्शंस वर्कशीट में कोई सेल्स हैं रोज हैं तो उस पर फंक्शंस आप लगा सकते हैं तो काफ़ी सारे कमांड्स आप यूज़ uh, कर सकते हैं वर्कशीट पे और वर्कबुक पे एंड वर्कशीट्स कमांड्स एंड वर्कशीट्स क्रिएट ऑप्टिकली लॉजिक चार्ट्स यस माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट एक्सेल में आप चार्ट्स और चार्ट्स के थ्रू क्यों जो रिबन में आपके कुछ ऑप्शन होते हैं अभी मैं बताऊँगी रिबन क्या होता है उसमें आप चार्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं ग्राफ थ्रू पाई और पाई चार्ट ग्राफ चार्ट आप ऐसे करके काफ़ी चार्ट्स के ऑप्शन आते हैं आप उसके थ्रू भी अपने डेटा या कंटेंट को या प्रोजेक्ट को आप उसको डिफाइन कर सकते हैं और थॉट प्रोवर्किंग ग्राफ जो अभी मैंने बताया तो एम एस एक्सएल इन शॉर्ट में हमारा होता है कि टेबुलर डेटा को स्टोर करने के लिए और ये कम ये किस चीज़ से कि, किसका कंप्राइजेस होता है इट इज कम्प्राइज टैब्स ग्रुप्स ऑफ कमांड्स वर्कशीट्स विच क्रिएट्स ऑप्टिकली लॉजिक चार्ट एंड थाट प्रोवकिंग ग्रैफ्स अच्छा एमएस एक्सेल में हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो क्लियर करने के लिए रिबन क्या होता है टैब्स क्या होता है क्विक एक्सेस टूल बार क्या होते हैं मिनी टूल बार बटन्स वर्कशीट डेटा मैनिपुलेशन फॉर्मेटिंग फंक्शंस फार्मूला वी लुकअप एंड इस नै आई एस एन एज न इसको बोलते हैं इज़ नॉट अवेलेबल एंड मोर जो इतने सारे टॉपिक्स हैं ये क्लियर होंगे आपके एम एस एक्सएल में एम एस एक्सएल में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ यूज फ्रॉम द डेटा वैलिडेशन फंक्शन अच्छा ये एम एस एक्सएल क्यों यूज़ किया जाता है अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं अभी हम उसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे एमएस एक्सएल मेनली क्यों यूज़ किया जाता है मेन टास्क क्या होता है एक्सेल का अगर आपने कैलकुलेशन करनी आपने कोई शीट फॉर्म किया है जो शीट है आपकी उसमें आपने कोई डेटा बनाया हुआ है वन टू थ्री तो अगर उसमें कुछ कैलकुलेशन करनी है सेल्स वाइज या रो वाइज तो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है ये इसका मेन टास्क होता है डेटा को एनालिसिस करने के लिए होता है कभी हम उसमें कंडीशंस लगाते पाई का चार्ट का यूज करते हैं ग्राफ का यूज़ करते हैं इंटी इंटीग्रेटिंग डेटा डेटा को इंटीग्रेट मतलब साइमल्टेनियसली पूरे डेटा को जोड़ कर किसी तरह रिलेशन में रख करके इंटीग्रेट करते हैं डेटा को तो मेन टास्क होता है कैलकुलेटिंग डेटा एनालिसिस एंड इंटीग्रेटिंग द डेटा फीचर्स हमारे क्या होते हैं फीचर्स हमारा होता है ऑटो फिल ऑटो फिल क्या होता है कि ये सेल को ऑटोमेटिकली फिल कर देता है बाइट अगर आपका कोई सेल है ये सेल्स हैं अगर यहाँ पे आपने वन टू ऐसे नंबर डाला है तो सीक्वेंस वाइज डाला या आप लिख सकते हैं कोई कैरेक्टर के साथ भी नंबर लिख सकते हैं जैसे ऐड वन ऐड टू और आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यूसली फिल हो जाए तो यहाँ पे आप इस सेल को अगर आप पूरा सेलेक्ट करेंगे तो कॉर्नर से अगर आप इसको ड्रैग करते हुए चले जाएंगे तो ये ऑटो फिल हो जाएगा तो ऑटो फिल क्या होता है फिल सेल ऑटोमेटिकली विद अ रिपीटेटिव और सीक्वेंशियल रिकॉर्ड क्या बताया कि ये सेल को ऑटोमेटिकली फिल कर देता है जो आपका सीक्वेंशियल या रेपिटेटिव रिकॉर्ड्स हैं उनको जैसे वन टू थ्री तो आगे ये फिल करता जाएगा फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऑटो शेप्स क्या होता है ये ज्योमेटिकल जियोमेटिकल शेप्स होते हैं जो आपको अगेन आपको मिलते हैं रिबन में जब आप होम पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है चार्ट्स रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल फ्रॉम फॉर्म ऑफ कंटेंट को जो आपका चार्ट्स होता है और ऑटो सम ऑटो सम आपके पास एक सीगमा करके uh, वहाँ पे ऑप्शन होता है होम पे जब आप किसी डेटा को पर्टिकुलरली डेटा को सेलेक्ट करते हैं और उसमें फिर सीगमा वाले सम में जाते हैं तो वहाँ पे एक फंक्शन होता है सम तो वो ऑटो सम कर देता है एंड लिस्ट ऑटोफिल क्या होती है ये ऑटोमेटिकली एक सेल को डेवलप कर देती है जब आप किसी लिस्ट के एंड में जाते हो तो उस ऑटोमेटिकली एक लिस्ट को डेवलप कर देती है तो इसको कहते हैं और लिस्ट ऑटोफिल विजार्ड हमारा होता है ये हमको गाइड करता है कि आपका वर्क इफ़ेक्टिवली हो उस वर्कशीट में जैसे आप किसी चीज़ को ड्रैग करते हैं और ड्रॉप करते हैं तो वो ठीक पोजीशन में आप कहीं भी छोड़ दें लेकिन वो अपने सही पोजीशन में वहाँ पे जाके फिक्स हो जाता है री हो जाता है तो विजार्ट वो चीज़ देखता है जैसे आप कभी इंसर्ट करते हो कोई पिक्चर और कुछ तो वो विजार्ट के अंडर में होता है प्राइवेट टेबल ये क्या करता है एक पाइवेट टेबल बनाता है जिसमें आप सारे डेटा को कुछ ही सेकेंड्स में समअप कर देता है शॉर्टकट मेन्यूज होती हैं कुछ अप्रोप्रिएट टू द फंक्शन बाय क्लिकिंग द राइट माउस बटन जैसे आपने कोई सेल है आपने उधर उस सेल को सेलेक्ट करके राइट right क्लिक किया है तो आपको शॉर्टकट मेन्यूज आ जाते हैं कि आप इसमें क्या फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फीचर्स हमारे हो गए ऑटोफिल ऑटोशेप्स चार्ज रिप्रेजेंट ऑटोसम लिस्ट ऑटोफिल विजार्ड विजार्टवर टेबल शॉर्टकट मेन्यूज वो कि आपको फीचर्स समझ में आए अब थोड़ा हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं जब आप पहली बार एक्सेल सीट ओपन करते हैं तो आपका यहाँ पे रिसेंट में जो आपने लास्ट टास्क किए होते हैं या ओल्डर या ओपन अदर वर्कबुक से आप अपने दूसरे जो पुराने आपने वर्कबुक पे काम किया है वो खोल सकते हैं कुछ वर्क ब्लैंक वर्कबुक आती है जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो आपका जो ये ऊपर देख रहे हो इसको बोलते हैं दो विंडो होती हैं इट कंटेंस टू विंडो इन वन विंडो वन विंडो इनसाइड द अनदर विंडो ठीक है window, uh, uh, window, ये दो विंडो कन... को कंटेन करता है जिस एक विंडो के अंदर दूसरी विंडो होती है कैसी होती है जो पहली विंडो होती है उसको हम एप्लीकेशन विंडो होती है आप देख रहे हैं ये पूरी विंडो हमारी एप्लीकेशन विंडो है जिसके अंदर ये जो विंडो है ये हमारी क्या होती है वर्कबुक विंडो होती है जो हमारी काम जिसमें हम काम करते हैं इस जो वर्क बुक विंडो होती है इसमें आप इसमें भी देख रहे हैं मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज कट तो इस तो दैट मीन्स ये टू विंडो कंटेन कर रहा है और ये अगर मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज तो ये होल पूरा एक्सेल की विंडो बंद हो जाएगी होल पूरी एप्लीकेशन की विंडो बंद हो जाएगी लेकिन अगर आप मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज इस वर्क बुक विंडो में करते तो ये एप्लीकेशन खुली रहेगी पर यह वर्क बुक आपकी मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज हो जाएगी जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं पूरा इस पूरे पोर्शन को हम रिबन बोलते हैं इस पूरे पोर्शन को हम रिबन बोलते हैं इसमें होम होम में आपका पेस्ट है कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं कीबोर्ड से और उसको पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे आपका टेक्स्ट का जो आपका जो आप कैलिबर जो भी फॉर्मेट लेना चाहें वो है इसमें फॉन्ट आप बोल्ड इटैलिक और ये सब आपका होता है इंसर्ट कर सकते हैं इसको सेलेक्ट करके पेज लेआउट पेज का जो लेआउट है वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं डेटा है रिव्यू है व्यू है इसको हम पूरा बोलते हैं रिबन एंड देन हमारा ये जो आता है ये इस जगह जो स्पेस होता है उसको उसमें हमारा क्या होता है सेल का नेम होता है और ये हमारा फार्मूला बार होता है जब जबकि हम कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं किसी सेल पे तो वो फार्मूला यहाँ पे शो होता है ये जो हमारी वर्कबुक है ये शीट्स हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया था इसको वर्क बोलते हैं इसको हम ये अनलिमिटेड होती है बट डिपेंड्स ऑन योर मेमोरी अवेलेबल मेमोरी ये आपकी मे, जितनी मेमोरी अवेलेबल होती है उस पर डिपेंड करती है यहाँ पे भी हॉरिजेंटल स्क्रोल बार बार होता है और ये वर्टिकल स्क्रोल बार होता है इसको सेल भी बोलते हैं ये पर्टिकुलर सेल है इसका नाम होता है जैसे इसका जी वन है जी टू है जी थ्री ऐसे करके इन पर्टिकुलर इसी पे हम फंक्शंस यूज़ करते हैं अब देखिए आपको रिबन समझ में आ गया टैब आपको समझ में आ गया शीट्स को बोलते हैं